केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रतिपक्ष के नेता को लगता है राजनीतिक डांट बहुत कस के कड़ा दे दिए है। उनको कहिए कि आंकड़ा नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा नहीं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। कौन ऐसा व्यक्ति जिसको भय लग रहा है? अब रात में पिताजी किसी के बीमार पड़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा बगला मुखी का जाप कर रहा है, जय मोदी करता है कि जय नीतीश करता है। मानसिक तनाव तो इसका मतलब ये देश की एजेंसी फेल है। इससे भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पहली बार राजनैतिक रूप से अछूत हो गई। कह रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच का करेजा है और जनता दल के कार्यकर्ता का तो 176 इंच का करेजा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, अमित शाह जी का, जगत प्रकाश नड्डा का, जो बिहार के मंत्री हैं केंद्र में, उन तमाम लोगों को मैं चुनौती देता हूँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत अगर है तो नीतीश कुमार जी पर एक आरोप लगा के दिखा दो। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस बात को कहा है, अब बिहार में डर लग रहा है। बात करते हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है हमारे साथ। विजय सिन्हा कह रहे हैं बिहार में अब उनको डर लग रहा है। लगता है कि अमित शाह ज्यादा कस के राजनीतिक डांट दे दी है क्या? हमको लग रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रतिपक्ष के नेता को लगता है राजनीतिक डांट बहुत कस के कड़ा दे दी है। अरे पढ़ने लिखने से वास्ता है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी को नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा भी प्रतिवेदित हुआ है। और मैं विजय सिन्हा जी नहीं, आपके सबसे बड़े वकील जो हो सकते हैं देश की राजनीति में, उनको कहिए कि आंकड़ा नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा नहीं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, उस आंकड़े के आधार पर बहस कर लीजिए। डर लग रहा है कि डर तो लग रहा है कार्यकर्ताओं से। भाजपा के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि राजनीति में चंडू खाना का काम ही लोग किया, आपस में लड़ाई झगड़ा करके हम सत्ता वियोग में हमको डर, हम रोड पर टहल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं चुनौती देता हूँ, ये 2 सितंबर 2022 है, भाद्र महीना है, अंग्रेजी वाला तो महीना ही लोग को नहीं धारता है ज़्यादा। हालांकि राजनीतिक जन्म कुंडली इसका बहुत गड़बड़ है भाजपा का, इसको पता होता नहीं रहता कि कब सत्ता से बाहर चल जाएंगे, जो भी इसको देखता हो हम उनका विषय है। तो ये अगर हिम्मत है तो भादो महीना 2021 का आंकड़ा निकालिए, जब सत्ता में आप थे, और भादो महीना 2022 का, और जहां मर्जी करे अष्टमी का, नवमी का, एकादशी का, अमावस्या का, जिस तिथि का मर्जी करे, उस डेट में राज्य के अंदर कितने अपराध हुए थे 21 में, और 2022 में कितने अपराध हुए हैं, निकाल के दिखा दीजिए। हम बात को लेकर भी कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं और जो लोग शिकायत करते हैं उनको मानसिक तनाव दिया जा रहा है ताकि थाना में FIR ना करे। मानसिक तनाव तो इसका मतलब ये देश की एजेंसी फेल है। मैंने इसका, इनको मालूम है ना कि लॉ एंड ऑर्डर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का अधिकार है। लगता है कि एकदम कानून से भी ये लोग को परहेज हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति जिसको भय लग रहा है? अब रात में पिताजी किसी के बीमार पड़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा बगला मुखी का जाप कर रहा है, जय मोदी करता है कि जय नीतीश करता है। घर से निकला कहा जय नीतीश, अचानक दिया पटना की ओर, कोई डर मन में भय नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक भय जरूर हो गया है कि जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया उससे भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पहली बार राजनैतिक रूप से अछूत हो गई। कोई भी पार्टी उसके साथ जाने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार जाएंगे जेल, जहां बड़े भाई गए वहां छोटे भाई जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच का करेजा है और जनता दल के कार्यकर्ता का तो 176 इंच का करेजा है, 176 इंच का कलेजा है। अगर कलेजा में दम है नरेंद्र मोदी का, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, अमित शाह जी का, जगत प्रकाश नड्डा का, जो बिहार के मंत्री हैं केंद्र में, उन तमाम लोगों को मैं चुनौती देता हूँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत अगर है तो नीतीश कुमार जी पर एक आरोप लगा के दिखा दो, कोई साक्ष्य दिखाओ। लेकिन तुम्हारे खिलाफ साक्ष्यों का ऐसा भंडार खोलेंगे कि राजनीति के चंडूखाना में भी जगह नहीं मिलेगा। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। उन्होंने कहा है कि उनके पास 56 इंच का सीना है, हमारे पास 176 इंच का सीना है, और नीतीश कुमार के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई सबूत है तो वो दें। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।